हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज का हमारा नेक्स्ट मैराथन सीरीज़ है, मैराथन नंबर 15। तो आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टाइटल ऑफ द थर्ड सेक्शन ऑफ द वेस्ट लैंड इज। आपको पता है द वेस्ट लैंड किसने लिखी है? पता होना चाहिए, ये T.S. एलियट ने लिखी है। ठीक है, तो इसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो टाइटल है थर्ड सेक्शन वेस्ट लैंड का, तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने सेक्शन हैं। पांच सेक्शन हैं। तो मैं ज़रा आपको पांच सेक्शन पहले बता दूँ कौन कौन से हैं, देन आई विल मूव ऑन टू द थर्ड वन। सो लेट्स बिगिन विद दैट। देखिए, सबसे पहला सेक्शन जो है, आप चाहे तो लिख लीजिए, आप हमेशा अपने साथ एक रफ पेपर या नोटबुक रखा करें। मैं पहले थोड़ा डिटेलिंग बता दूं आपको क्वेश्चन की। देखिए, जो टाइटल है थर्ड सेक्शन ये वेस्ट लैंड का, वैसे तो वो फायर सरमन है। क्या है? द फायर सरमन, इट इज़ गिवन हियर। ठीक है, लेकिन ये जो वेस्ट लैंड है, ये एक बहुत ही लंबी पोयम है, एक अमेरिकन राइटर के द्वारा लिखी गई है। उन राइटर का नाम है T.S. एलियट। इन्होंने इसको पब्लिश किया था 1922। दीज आर की फैक्टर्स, प्लीज़ राइट इट डाउन। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है। और इन्होंने इसको किस में लिखा था, अगर पूछा जाए तो आप देंगे इन क्राइटेरियन। इन क्राइटेरियन, CRITERION, क्राइटेरियन। पहले पब्लिश हुआ था 1922 में, अमेरिकन राइटर T.S. एलियट के द्वारा लिखी गई है। ये वेस्टलैंड है, क्राइटेरियन में इसको पब्लिश किया गया था। उसके बाद इसको द डाइल में पब्लिश किया गया था टू फेलो पॉइट, जो इनकी फेलो पॉइट थी इज़रा पॉन, उसको संबोधित करते हुए। ठीक है, तो इसमें पांच पार्ट्स थे। तो पहले तो आपको पांच पार्ट्स याद होने चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्ट पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, और ये उत्तराखंड के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2020 में, तो इसलिए 21 आई थिंक। तो इसलिए इसको लिख लीजिए। सबसे पहला पार्ट आता है द ब्यूरियल ऑफ द डेड, इट्स ऑलरेडी गिवन हियर। यही है सबसे पहला वाला है द ब्यूरियल ऑफ द डेड, ये फर्स्ट में आता है। दूसरे में आता है अ गेम ऑफ चेस, ये दूसरे नंबर पे आता है। वेस्ट लैंड के क्या हैं ये टाइटल हैं, याद रखिए। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आता है। फायर सरमन ये तीसरे नंबर पे आता है। ओके, उसके बाद है यहाँ पर डेथ बाय वाटर, एक और है डेथ, DEATH, डेथ बाय वाटर। मैंने आपको कड़ी भी बताई थी कैसे याद करनी है। डेथ बाय वाटर ये चौथे नंबर पे आता है। व्हाट द थंडर सेड, थंडर ने क्या कहा, ये पांचवें पे आता है। तो इसको याद करने का तरीका अगर आपको बताया जाए तो यही बोला था मैंने, पढ़ाया भी है। द ब्यूरियल ऑफ द डेड मतलब एक राजा है, उसके राज्य में लोग मर रहे हैं, उसको दफनाया जा रहा है। कोई इंसान मर गया, उसको दफनाया जा रहा है। दफनाने के बाद वो लोग नहा धो के कहते हैं कि चेस खेलते हैं। तो चेस से आपको याद रहेगा, ये गेम ऑफ चेस नेक्स्ट आता है। उसके बाद वो लोग कहीं, उनको पता चलता है कि आग लग गई, तो फायर से आपको रिलेट कर सकते हैं कि द फायर सरमन आना चाहिए, क्योंकि वो जब गेम खेल रहे होते हैं तब उनको लगता है कहीं से आग आ रही है, तो आग से आपको रिलेट कर सकते हैं द फायर सरमन। अब लोग क्या करते हैं, आग बुझाने के लिए जाते हैं, तो किससे बुझाएंगे, पानी से। तो पानी याद रहेगा, की फैक्टर्स आपको याद रखने हैं, है ना। तो डेथ बाय वाटर आ जाएगा। अब वो क्या होता है, डेथ बाय वाटर के बाद क्या है कि वो पानी की गड़गड़ाहट से और भी ज़्यादा क्या हो गई, आग फैल गई। तो कुछ की फैक्टर्स क्या बोले मैंने, लोग मर गए, उन्हें दफना दिया, ब्यूरियल। उसके बाद मैंने बोला चेस खेला, आग लग गई, पानी से बुझाया, और थंडर ने उसको और बढ़ा दिया। तो ये कुछ की फैक्टर्स हैं, अगर आपको याद रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ये सीक्वेंस याद रख सकते हैं कि ये जो टाइटल है द वेस्ट लैंड का, ये इस सीक्वेंस में कैसा है। क्योंकि कभी वो पहला सेक्शन पूछ लेता, थर्ड पूछ लेता, फोर्थ पूछ लेता, तो आपको ये क्रोनोलॉजिकली ये याद होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ T.S. एलियट इज बेस्ड ऑन द लेजेंड ऑफ द फिशर किंग। जो ये लेजेंड है फिशर किंग की, ये किस पे बेस्ड है, मतलब कौन सी ऐसी पोयम है। तो पहले तो आपको वर्क पता होना चाहिए। ये भी आपका क्या है, द वेस्ट लैंड से है। द वेस्ट लैंड का एक्चुअली मतलब आप जानते ही हैं, बंजर जमीन। ठीक है,
तो उससे है ये बहुत ही लंबी लॉन्ग नरेटिव पोयम है। ये किसने लिखी है? टी एस एलियॉट ने लिखी है। और ये किस पे आधारित है? ये फिशर किंग एक राजा थे, उन्हीं के ऊपर ये डेडिकेट की गई है। द टैरेट डेक के ऊपर डेडिकेट की है। चैपल पेरिलस थे, ग्रेल क्वेस्ट थे, तो ये कुछ लेजेंड्स थे, इन्हीं के ऊपर ये डेडिकेट करके बनाई गई है। वेस्टलैंड अभी थोड़ी देर पहले बोला, 1922 में ये पब्लिश हुई थी लंदन में, क्राइटोरियन में, उसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में, द डायल में। अब मैंने आपको अब कंट्री भी बता दिया, लंदन में द क्राइटोरियन और न्यूयॉर्क सिटी में द डायल। फेलो पॉन्ड इज़रा पॉन्ड के संबोधित करते हुए। अब इस पोयम में 433 लाइन्स हैं। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? 433, जो डिवाइड है 5 पार्ट्स में। ठीक है, तो काफ़ी कुछ बता दिया इससे रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, दैट इज़ योर द वेस्ट लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। मर्डर इन कैथेड्रल इज या फिर एन, ये क्या है, कैसा प्ले है? तो ये एक मिरेकल प्ले है। मिरेकल आप जानते ही हैं, कहते हैं ना ये तो भाई अद्भुत मिरेकल हो गया है, ये तो कुछ कहते हैं ना, ये तो आश्चर्य वाली बात है भाई, ये तो कुछ अद्भुत ही हो गया, करिश्मा हो गया, कहते हैं ना करिश्मा हो गया। तो उसको तो ये जो मर्डर इन कैथेड्रल जो टी एस एलियॉट ने लिखी है, ये प्ले एक मिरेकल है। क्यों मिरेकल है? क्योंकि इसमें जो ये कैटेगरी है, ये आर्क बिशप के ऊपर ये मिरेकल जो कैटेगराइज किया गया है, इसको किया है द कैटेगरी ऑफ अ मिरेकल ऑफ आर्क बिशप। आर्क बिशप किसे कहते हैं? जो मुख्य धर्माधि अध्यक्ष होते हैं उनको कहा जाता है, और उनका नाम था थॉमस बेकेट, BECKET। वो बेकेट जो थे वो वहाँ के मुख्य धर्माध्यक्ष थे, किसके? कैथेड्रल के। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मिरेकल प्ले है, ये काइंड होता है प्लेस का, जो मिरेकुलस हस्तक्षेप होते रहते हैं साधु के द्वारा इनटू द लाइफ, कोई इंसान जो ऑर्डिनरी है उसके जीवन में, तो इसीलिए इसको मॉडर्न मिरेकल प्ले भी कहा जाता है, मार्टिरोम सेंट थॉमस बेकेट के नाम से। तो इसलिए अगर आपको याद रखना है तो मर्डर इन कैथेड्रल क्या है? एक मिरेकल प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th। ये मिरेकल प्ले है। व्हेन वाज मर्डर इन कैथेड्रल फर्स्ट परफॉर्म्ड इन थिएटर? तो सबसे पहले थिएटर में जब ये प्ले किया गया था, तो कैथेड्रल में जो मर्डर होता है वो कब परफॉर्म किया गया था? तो वो किया गया था परफॉर्म 1935 में। ये बेस्ड है, इसमें आर्क बिशप जिसका नाम है थॉमस बेकेट, उनका क्या हो जाती है? असैसिनेशन, उनका मर्डर कर दिया जाता है। कहाँ पर? अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर किया जाता है, तो कैंटरबरी कैथेड्रल, लिख लीजिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कैंटरबरी कैथेड्रल में किया जाता है। किसके राज्य में? हेनरी सेकेंड के राज्य में। कब किया जाता है? 1170 में, 1170 में। तो ये जो ड्रामा है, ये पूरी तरीके से थीम ऑफ मार्टियर डॉम पे ही क्या है, बेस्ड है। तो अब आपको पता चल गया होगा किसकी हत्या होती है, कैथेड्रल में आर्क बिशप की ही हत्या होती है। 1935 का ये प्ले है। नेक्स्ट चलते हैं 5th क्वेश्चन। लेट अस गो देन यू एंड आई, व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई, Like a patient authorized upon a table, let us go through certain half deserted streets. These lines are from where? देखिए मैं आपको पूरा ही आंसर बता देती हूँ इसका, पहले तो इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। लेट अस गो देन यू एंड आई, चलो चलते हैं तुम और मैं। When the evening is spread out against the sky, हम किस समय चलें? जिस समय इवनिंग, जो शाम का समय है, पूरी तरीके से स्काई में शाम फैली हुई है, मतलब शाम का समय है, स्काई बिल्कुल फैला हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि एक पेशेंट, जो एक मरीज़ है, जब उसको एथराइज्ड, देखिए पहले एथराइज का ही इंजेक्शन दिया जाता था, आजकल तो एनेस्थीसिया दिया जाता है बेहोशी के लिए, तो फिर बेहोशी के बाद पेशेंट को लिटा दिया जाता है ना, वो बेहोश हो जाता है, तो वो वहाँ उस समय एथराइज चलता था, ईथर से इंजेक्ट करते थे पेशेंट को, तो उससे क्या होता था, वो होश में नहीं रहता था, है ना, बेहोश हो जाता था। तो वो कहता चलो उसी
पेशेंट की तरह, उसी पेशेंट, उसी मरीज़ की तरह हम भी क्या हो जाएं, टेबल में बेहोश हो जाते हैं। लेट अस गो थ्रू सर्टेन हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट, चलो चलते हैं आज जो बिल्कुल डेजर्टेड, अकेली खाली सड़कें हैं उस तरफ चलते हैं। तो एक्चुअली वो कहते हैं कि भाई जिस प्रकार से हम वैसे ही फैल के लेट जाए, जिस तरीके से एक जो मरीज है बेहोश हालत में है, टेबल में बिल्कुल फैल के लेटा हुआ है, हम भी उसी प्रकार स्काई में पूरी तरीके से, जैसे स्काई क्लियर है उसी स्काई में हम सपनों में, मतलब ऐसे लगे कि हम फैले हुए हैं। तो एक्चुअली ये वर्क जो है ये टी एस एलियट का है, ये एक लव सॉन्ग है जे एल्फर्ड प्रोफॉक का, ठीक है। अब ये जो ओरिजिनल पोयम था इसका सबटाइटल कभी कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो वो भी आपको आना चाहिए कि जो इस पोयम का जो ओरिजिनल सबटाइटल है वो क्या है। तो वो है प्रोफॉक एमंग द लेडीज़, प्रोफॉक लिख लीजिए, प्रोफॉक एमंग द लेडीज़, ये इसका ओरिजिनल टाइटल था। लेकिन बाद में इस टाइटल को बदल दिया गया, ठीक है, टू द प्रेजेंट वन जो कि अभी है हमारे पास, कौन सा है, लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फर्ड प्रोफॉक, ये नाम से अब है। तो इससे बहुत ज़्यादा ये एक्चुअली ये लिया कहाँ से था, टी एस एलियट ने, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे किपलिंग की वर्क से, और किपलिंग जी का वर्क था द लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल, क्या था, द लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल, उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने इसका नाम इसीलिए क्या रख दिया था, जे एल्फर्ड प्रोफॉक। यहाँ पर इवनिंग को अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इवनिंग दिखाई दे रहा है, इवनिंग को किससे सिंबलाइज कर लिया है, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस कोटेशन में इवनिंग को किस क्या डिस्क्राइब किया है, तो इवनिंग को यहाँ पर पेशेंट को इथराइज, जैसे बेहोश पेशेंट होता है ना, उसी प्रकार से बताया गया है कि जिस प्रकार से शाम, जब शाम का समय होता है तो शाम के समय पे आसमान में अंधेरा बिल्कुल ऐसा छा जाता है मानो जैसे कि क्या हो गया हो, बेहोश पड़ा हो, स्टिल हो जाता है। तो यहाँ पर पेशेंट को इथराइज, जैसे बेहोश होकर वो लेटा रहता है, उसी प्रकार से कहा गया है, ठीक है। और ये बस दिस इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पर क्या है, अपॉन द टेबल, और प्रोफॉक यहाँ पर क्या है, इनकारनेशन ऑफ मॉडर्न मैन, उसको यहाँ पर मॉडर्न मैन का उपाधि दी गई है। इज दैट क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो आंसर आप समझ गए होंगे, टी एस एलियट द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फर्ड प्रोफॉक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, लेट्स हैव अ लुक। टी एस एलियट डेडिकेटेड हिज मास्टरपीस द वेस्ट लैंड टू, अब बार बार पूछा जा रहा है ये, एक दो क्वेश्चन एक बार और आएगा, थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा जाएगा कि ये जो टी एस एलियट का जो ये मास्टरपीस है वेस्ट लैंड, द वेस्ट लैंड, ये उन्होंने किसको संबोधित किया, तो वो डेडिकेटेड है इज़रा पॉन्ड के लिए, क्योंकि वो उनकी क्या रहती है, एक फेलो राइटर भी रहती हैं, क्योंकि वो ही इनकी मदद करती है कि इस मास्टरपीस को कर्टेल करने में। तो ये बहुत बड़ी पोयम होती है, उसको थोड़ा शॉर्टन करवाती हैं, भले काट पीट के करते तो टी एस एलियट ही है, लेकिन उनको एक राय देती हैं, तो इसलिए वो उनको संबोधित करते हुए ये बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स हैव अ लुक। द लाइन अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ अपीयर्स इन द टी एस एलियट पोयम, देखो टी एस एलियट की कौन सी पोयम में अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ पूछा जाता है, ये क्वेश्चन को बहुत बार घुमा के पूछा गया है। देखिए आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन एक ही है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाता है, तो आप थोड़ा इसको देखिएगा, आंसर है वेस्ट लैंड, क्योंकि ये जो लाइन है अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ, ये वेस्ट लैंड से ली गई है। एलियट ने वेस्ट लैंड को एक मॉडर्न एपिक पोयम 434 लाइंस की फ्री वर्ड्स में लिखी है, ये पब्लिश हुई थी क्राइटेरियन में, बार बार बता रही हूँ, यूके में 1922 में, उसके बाद द डायल में आई यूएसए में सेम ईयर में ही, और ये फिर पब्लिश हो गई इस किताब को इन अ फॉर्म दिसंबर 1922 में, ये एक किताब के फॉर्म में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हु कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर, हैमलेट को किसने बोला कि ये तो एक कलाबाज फेलियर है, वो एक्चुअली टी एस एलियट ने ही बोला था, ये किसने बोला था, टी एस एलियट ने बोला था। क्यों कहा था उन्होंने, उसका एक रीज़न है, क्योंकि शेक्सपियर ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है अपनी थीम में कि किस तरीके से किंग को हमेशा बार बार सस्पिशियस लगा रहता है, तो जो इफ़ेक्ट है मदर की गिल्ट का, अपराध का बेटे के ऊपर,
वो एक मेन थीम बन के आती है जो कि फेल किया गया है, यहाँ पर बताया नहीं गया है हैमलेट में शेक्सपियर के द्वारा प्रॉपरली। तो इसीलिए एलियट को लगता है कि ये इसके अंदर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव मतलब वस्तुनिष्ठ सह संबंधी यहाँ पर कहीं ना कहीं ड्रॉबैक डाला गया है, आर्टिस्टिक फेलियर है यहाँ पर। आर्टिस्टिक इसलिए क्योंकि जिस कैरेक्टर के लिए ये होना चाहिए था वो यहाँ पर फेल महसूस होता है, क्योंकि जो उसकी मदर रहती है वो एक्चुअली फेल हो जाती है एक्सप्रेस करने के लिए। तो हैमलेट यहाँ पर मोनालिसा, जो हैमलेट इज़ द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर कहा जाता है, और ये एक वर्क है जो इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये वर्क बट नॉट अ वर्क ऑफ आर्ट, इसको उन्होंने कहा ये आर्ट कला के क्षेत्र में ये कार्य नहीं है। इसी का मतलब राइटर कहते हैं कि ये पूरी तरीके से अनेबल है कि ये इमोशंस को दर्शा सके। यही रीज़न है कि टी.एस. एलियट ने हैमलेट को एक आर्टिस्टिक फेलियर कहा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन है द लाइन। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया है। द लाइन अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ अकर इन, इससे पहले जो आपको पहले जो क्वेश्चन दिया इससे पहले दो क्वेश्चन पहले, तो वहाँ पर क्वेश्चन था द लाइन अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ अपीयर्स इन टी.एस. एलियट की पोयम, यहाँ तक दे दिया, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने अकर्स कर दिया तो ये अब आ जाएगा टी.एस. एलियट वेस्टलैंड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत सिंपल है, इसका आंसर है टी.एस. एलियट वेस्टलैंड। और एक्चुअली ये जो वेस्टलैंड ये 15 जो है 15th ऑफ अप्रैल में ये ऐसे को नेम किया गया था क्रूलेस्ट डे अप्रैल का, क्योंकि इसमें जो एनुअल डेडलाइन थी अमेरिकन्स की वो मेल कर रहे थे अपना टैक्स रिटर्न लेने के लिए और चेक्स के लिए, तो कहीं ना कहीं वो रेवेन्यू वगैरह ले रहे थे, तो इस वजह से इसको क्रूलेस्ट मंथ भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में। हु रिड्यूस्ड द लेंथ ऑफ वेस्टलैंड ड्रेस्टिकली एंड ब्रॉट टू द प्रेजेंट स्टेज, कि कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने जो वेस्टलैंड टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है उसको पूरी तरीके से बड़ा ही कंसाइज कर दिया, छोटा कर दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी पोयम थी ना, तो इसको कंसाइज करने में किसकी मदद रही है, तो वो रही है इज़रा पॉन्ड की, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। द फोर्थ पार्ट ऑफ द वेस्टलैंड, अब आपको देखिए फोर्थ पार्ट पूछ लिया, इससे पहले थर्ड पार्ट पूछा था, तो 5 के 5 पार्ट मैंने आपको लिखाए हैं तो आप आंसर दे सकते हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या आएगा, डेथ बाय वाटर, आपको लिखा दिया है मैंने तो आप देख लीजिएगा, समझा भी दिया है। फर्स्ट एक बार याद दिला दूँ, फर्स्ट है द ब्यूरियल ऑफ डेथ, सेकेंड अ गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, फोर्थ फिफ्थ इज व्हाट द थंडर सेड। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12th पे। In which year was the poem Gironshian published? तो Gironshian कब पब्लिश हुई थी टी.एस. एलियट की, तो ये पब्लिश हुई थी 1920 में, 1920 में ये पब्लिश हुई थी। इसमें 8 स्टेंजा थे जो अनइवन सेट ऑफ लाइन्स में डिस्ट्रीब्यूट थे, मतलब उनकी कोई फिक्स लाइन नहीं थी। पोयम भी फ्री वर्स में लिखा गया है और इस टेक्स्ट में ड्रामेटिक मोनोलॉग का प्रयोग किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड, अब कौन से सेक्शन नहीं, आपको पता है डेथ बाय वाटर है, फायर है, थंडर सेड है, गेम ऑफ थॉर्न नहीं है, द ब्यूरियल ऑफ डेड है, तो ये नहीं है, द गेम ऑफ थॉर्न इसका हिस्सा नहीं है, तो दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट वॉज पब्लिश्ड इन, ये भी टी.एस. एलियट का वर्क है और ये पब्लिश हुआ था द ईगोइस्ट में, द ईगोइस्ट में पब्लिश हुआ था 1919 में, लिख लीजिए 1919 में द ईगोइस्ट में ये पब्लिश हुआ था। ये जो ऐसे है ये टी.एस. एलियट का लेटर पब्लिश किया गया था एलियट की पहली किताब जिसका नाम था क्रिटिसिज्म द सीक्रेट वुड 1920, उसमें इस चीज़ को क्या किया गया है, वर्क को पब्लिश किया गया है। आई होप यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
एक्चुअली ये मिक्स्ड है सेट, इसमें अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो महाश्वेता देवी के ऊपर आएंगे जिन्होंने लिखा है मदर ऑफ 1084। ये आपकी यूनिट 7 का सबसे आखिरी जो टॉपिक है, आखिरी टॉपिक का आखिरी टॉप यूनिट का आखिरी टॉपिक है, एंड दैट इज़ योर द महाश्वेता महाश्वेता देवी जिन्होंने लिखी है मदर ऑफ 1084। तो इसका क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। महाश्वेता देवी कौन थी? तो महाश्वेता देवी एक बंगाली राइटर थी और साथ ही साथ एक समाज सेवक भी थी, एक्टिविस्ट भी थी वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अचीव्ड साहित्य एकेडमी इन 1979, ज्ञानपीठ अवार्ड इन 1996 फॉर द लिटरेरी अचीवमेंट। इनमें से कौन सी लेडी है जिनको एक तो सबसे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड पुरस्कृत किया गया था 1979 में, उसके बाद ज्ञानपीठ अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया 1996 में, तो वो थी अगेन आपकी महाश्वेता देवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17th पे देखते हैं 17th क्वेश्चन क्या है। इन 1986 महाश्वेता देवी वॉज कन्फर्ड with dash for her untiring battles fought for the Adivasis, Dalits and marginalized citizens। देखिए कहते हैं कि 1986 में जो महाश्वेता देवी हैं उनको क्या किया गया था, अर्पित किया गया था, delivered। यहाँ conferred का मतलब होता है किसी चीज़ को अर्पित करना, ठीक है। तो उन्हें क्या चीज़ अर्पित की गई थी, और वो भी उसके लिए जो उन्होंने अनटायरिंग बिना थके हुए युद्धों को लड़ा, और वो युद्ध किसके थे, आदिवासियों के खिलाफ, मतलब आदिवासियों के सपोर्ट में, दलित्स के सपोर्ट में, और जितने भी पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके सपोर्ट में उन्होंने कार्य किया। तो सोशल रिफॉर्मर थी, तो दैट उनको क्या मिला था, उन्हें मिला था पद्मश्री अवार्ड। नेक्स्ट है, हु एम्प्लीफाइज द सफरिंग्स ऑफ द मार्जिनल cases and caste and above all women of that their class and caste। कहते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बड़ी विस्तार पूर्वक व्याख्या करी है। एम्प्लीफाइज का मतलब होता है बड़े विस्तार से किसी चीज़ का वर्णन करना, व्याख्या करना। तो कौन सी राइटर हैं ऐसे जिन्होंने बताया है कि जो डिप्राइव्ड जैसे पिछड़े हुए वर्ग के लोग होते हैं उनके बारे में, उन क्लास के बारे में किसने जिक्र किया, तो महाश्वेता देवी। देखिए मैं आपको थोड़ा सा महाश्वेता देवी का एक थोड़ा सा एक हिंट दे दूँ। तो जो महाश्वेता देवी जो ऑथर हैं, इंडियन ऑथर, इनका जो मेन मकसद रहता है वो यही रहता है कि वो समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं, चाहे वो कहते हैं ना जनजाति अनुसूचित जनजाति और सूचित जनजाति, मतलब कहते हैं ना शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट, या जितने भी पिछड़े हुए इलाके, पिछड़े हुए जो कास्ट हैं उनको अधिकार देना, उनको उस उनको उनको ज़्यादा सप्रेस ना, दबाया ना जाए, उसके लिए इन्होंने क्या किया था, एक वर्क किया था, और ये उसी के लिए सम्मानित भी की गई थी पद्मश्री। तो महाश्वेता देवी हैं। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, विच ऑथर ट्राइज टू अकाउंट द हार्श एनालिसिस ऑफ द एक्सप्लोजेटिव एंड ऑप्रेसिव सोशियो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस सिस्टम। कौन सी ऑथर ऐसी हैं जो ये बताना चाहती हैं कि भाई एनालिसिस अगर करते हैं, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो बहुत ही दयनीय स्थिति है, जो लोग बड़े ही पिछड़े हुए लोग हैं, धार्मिक रूप से भी, सोशियो इकोनॉमिक रूप से भी, मतलब हर तरफ से उनको क्या किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो उसके लिए जो ऑथर थी जिन्होंने इसके ऊपर कदम रखा, इनके बारे में सोचा, वो थी महाश्वेता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाश्वेता देवी वॉज बॉर्न, तो इनका जन्म होता है 14th January 1926 में, याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21, लेट्स हैव अ लुक 21। महाश्वेता देवी वॉज बॉर्न, अच्छा ये हो चुका है।
अब ये कौन से तारीख को जन्मी थी, तो ये याद रखिए इनका जन्म होता है 14 जनवरी 1926। अब ये जन्म हुआ कहाँ, जगह का नाम बताना है, तो वो जगह है ढाका, बांग्ला बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया, उस टाइम पे यही नाम से आता था। अब ये जो ढाका है ये अब क्या कहलाया जाता है, इसको ढाका कहा जाता है, तो ये यहाँ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। महाश्वेता देवी डाइड ऑन, अब इनकी मृत्यु कितनी तारीख को होती है, तो इनकी जो डेट है जिस दिन इनको एक्चुअली इनकी मृत्यु होती हुई कैसे, ये स्पीच दे रही होती हैं समाज सेवा में, वहाँ पर बात कर रही होती है अपने बेटे की, उसका बेटा मर गया है, उसके लिए वो जंग लड़ना चाहती है कि एक्चुअली इसके साथ हुआ क्या। तो उन्होंने महाश्वेता देवी ने जब स्पीच दे दी है पब्लिक के सामने, तो उस दिन उनका जो उनके उनको एक हेल्थ इश्यू भी रहता है कि उनको एक उसकी भी शिकायत रहती है अपेंडिक्स की, और अपेंडिक्स बढ़ जाता है उसी समय, वो अपने ध्यान नहीं दे पाती हैं और वो बर्स्ट हो जाता है, और वो वहीं पर स्टेज में क्या हो जाती हैं, स्टेज में ही कोलैप्स हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो कब मर जाती हैं ये डेट याद रखिएगा, तो दैट इज़ योर 28 जुलाई 2016, जब इनकी उम्र लगभग 88 तो नहीं होगी, 90 बन जाएगी, 88 नहीं आएगी 90 बन जाएगी, अगर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ देखें तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इनका जन्म कब हुआ है, 1926 में हुआ है, और मरी ये 2016 में है, तो 2016 और 1926 तो अपने आप में ये क्या बन गया, 90 साल की हो गई, ठीक है, 88 गलत टाइप किया है, 90 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस महादेवी रिसीव्ड हर एजुकेशन, तो महादेवी जी ने अपनी जो शिक्षा ली वो कहाँ कहाँ से ली, तो एक्चुअली देखा जाए तो उनने विश्व भारती यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई करी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से भी करी है, और विजयगढ़ ज्योतिष राय कॉलेज से ही पढ़ा है, तो इनका सारे ही आंसर सही है, ऑल द दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, देखते हैं। हजार चौरासिर माँ अरयान्यर अधिकार एंड टी टू मेर आर फेमस वर्क रिटन बाई, ये किसने लिखी है, हाजिर हजार चौरासी माँ अन्य अरयन्यर अधिकार, ये सब के सब टी टू मेर ये बहुत फेमस वर्क्स हैं, और ये किसके द्वारा लिखी गई है, महेश्वा महाश्वेता देवी के ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। Who become famous as a writer, though her biography झांसी की रानी, through her biography झांसी की रानी, तो कौन सी ऐसी राइटर है जो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है जब वो झांसी की रानी की क्या लिखती है, बायोग्राफी लिखती है, जो कब आती है 1956 में, तो वो रहती है आपकी महाश्वेता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26। Who has written the works, देखिए इन्होंने कौन कौन से ये वर्क्स के नाम हैं इनके, नती मधरे माधुर यमुना के तीर एटो कुकू एटो टू कुकू आशा एंड प्रेम रत्रा प्रेम मतारा, तो ये सब के सब जो वर्क्स हैं ये महाश्वेता देवी के ही वर्क है जो उन्होंने लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27th क्वेश्चन, तो 27th क्वेश्चन है आपका, लेट्स हैव अ लुक। Who stands unique among Indians writers in the portraying the societal and state violation of human rights to subalterns, tribals and women's and children? Her writing document on the struggle of a subalterns, especially the tribals, for their बेसिक ह्यूमन राइट, तो कहते हैं कि भाई कौन सी ऐसी राइटर है जिन्होंने इंडियन राइटर हैं जिन्होंने ये देखा कि भाई समाज में सोसाइटी में जो ज़रूरत है, मतलब सोसाइटी में बदलाव की ज़रूरत है, उनका उल्लंघन जो गलत प्रतिधारणा चल रही है उसका उल्लंघन हो रहा है, उसके बारे में सोचा। एंड राइट्स टू सब अल्टर्न्स, सब अल्टर्न्स का मतलब होता है जो भी पिछड़ा हुआ वर्ग है जिसको सबसे ज़्यादा नीचा दिखाया जाए, सब सब ऑल्टरेंस है ये, इसको कहते हैं
किसी का हम कह सकते हैं अधीन कर लेना या सबसे नीचा दिखाना, तो वो कौन, वो पिछड़े हुए लोगों को जैसे ट्राइब्स हो गई है ना, तो ये सब चीज़ों को दिखाया गया था इसके थ्रू। तो ये वर्क किसका है, महाश्वेता देवी का है, महाश्वेता देवी का वर्क याद रखिए। इसके बाद हम चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इनका वर्क जो आपके कोर्स में है, द मदर ऑफ 1084, इससे रिलेशन को, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। मदर ऑफ 1084 प्राइमरीली रिटर्न एज अ नोवल इन, ये जो मदर ऑफ 1084 है ये प्राइमरीली शुरुआत में ये नोवल कैसा लिखा गया है, तो ये नोवल बंगाली में लिखा गया है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो इसका जो रिटर्न है दैट इज़ इन बंगाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर ऑफ 1084 प्राइमरीली रिटर्न एज अ नोवल इन बंगाली टाइटल, और ये जो 1084 एक्चुअली ये मदर ऑफ 1084 कौन है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, तो ये 1084 एक्चुअली व्रती जो है इनका बेटा रहता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका मर्डर हो जाता है, तो उसको वही चीज़ याद रहती है, वो जिस समय वो मर जाता है तो उसको जिस मॉर्ग में रखते हैं उस मॉर्ग का नंबर जो होता है जिसमें उसकी डेड बॉडी होता है उसका नंबर होता है 1084। और उसकी माँ, क्योंकि पुलिस वाले आके कहते हैं कि भाई छानबीन कर लो ये तुम्हारा ही बेटा है या किसी और का, तो इसीलिए ये मदर ऑफ 1084 के टाइटल से दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसी क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं क्या है। हाँ तो फिर बताइए, प्राइमरीली रिटन नोवेल बंगाली में, तो ये बंगाली में जब लिखा गया था तो इसका नाम था 1084 की माँ, 1084 की माँ, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, लेट्स हैव अ लुक। 1084 की माँ, ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, इज बंगाली, जस्ट अ मिनट, 1084 की माँ, ठीक है, एक क्वेश्चन, हाँ ठीक है, इज अ बंगाली पब्लिश्ड इन अ स्पेशल ऑटम फेस्टिवल, एक स्पेशल ऑटम फेस्टिवल में इसको क्या किया जाता है, बंगाली में पब्लिश किया जाता है पीरियडिकल्स में, तो उसका क्या पीरियडिकल है, नाम क्या है उस पीरियडिकल का, ये पूछ लिया जाता है। तो वो पीरियडिकल का जो नाम है वो आता है आपका प्रसाद 1973, इस नाम से आता है वो, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो पीरियडिकल जो फेस्टिवल इश्यू हुआ था, तो उस फेस्टिवल ऑटम फेस्टिवल में इश्यू हुआ था प्रसाद इन 1973, ये एक पीरियडिकल था जिसमें ये इश्यू हुआ था। 1084 की माँ बंगाली है, ये इमर्ज हुआ था स्पेशल ऑटम फेस्टिवल में, ठीक है, प्रसाद इन 1973 में, और बाद में फिर इसको ट्रांसलेट कर दिया गया था बहुत सारी इंडियन, सेवरल इंडियन लैंग्वेजेस में इसको किया गया था। ओके, तो दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज़ अबाउट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आए होंगे, बहुत आसानी से सरल भाषा में मैं समझा रही हूँ जिससे कि आप सभी लोगों को प्रत्येक प्रश्न को याद रखें और समझ में आए आपको, तो कोशिश पूरी रहती है कि आप सभी को ये सब समझ में आए। अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको अगर वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं और आपको समझ में आती हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी हर दिन कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को समझा के समझाया जाए जिससे कि आपको जल्दी याद रहे। एंड यस, नेक्स्ट आपका जैसे आपने बोला यूनिट वाइज, तो मैं आपको वैसे ही बना रही हूँ जैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक एक टॉपिक्स को हम कवर करते जाएंगे, उसमें आई डोंट वांट टू मेंशन द यूनिट्स, वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो सारा सिलेबस कवर होगा, आप टेंशन मत कीजिए। ये 2000 से ऊपर भी जा सकती है मैराथन सीरीज़, तो आप इसका टेंशन मत लीजिए क्योंकि प्रत्येक दिन आपको क्वेश्चंस बन के ही मिलेंगे टिल योर एग्ज़ाम्स आर देयर। ओके, तो आप लोग इस चीज़ की तो बिल्कुल भी निश्चित रहिए कि भाई आपको कोई भी, आपको प्रश्न तो मिलते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आज आपको और डिक्लेयर करना चाहती हूँ, आप में से यदि कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो, जैसे 50 मार्क्स का प्रश्न है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर मिक्स करके आएंगे, प्रैक्टिस सेट की अगर किसी को PDF चाहिए हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या किसी को ऑनलाइन क्लास लेनी हो या किसी को कोई भी मटेरियल लेना हो तो आप
कांटेक्ट कर सकते हैं थंबनेल में दिए हुए नंबर को। और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो इस प्लेटफॉर्म को जितना ज़्यादा हो दूसरों तक शेयर कीजिए, जिससे जो ये रीच है ये बहुत लोगों तक पहुँच सके। एंड गुड लक एंड गुड ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट सीरीज। टिल देन बाय, टेक केयर।